ईएसी ने फास्ट ट्रैक के आधार पर भारतीय सेना के लिए 72,000 असॉल्ट राइफल्स खरीदने के लिए मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने मंगलवार को फास्ट ट्रैक बेसिस पर सीमाओं पर तैनात सैनिकों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए 3,547 करोड़ रुपए के राइफलें और कार्बाइन की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने 72,000 हमला राइफलें और 93,895 कार्बाइन की खरीद को मंजूरी दी। सशस्त्र बलों के लिए छोटे हथियारों की कमी की पूर्ति करने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही खरीद प्रक्रिया के लिए निविदाएं शुरू की जाएंगी। सरकार से सरकार के स्तर पर खरीद भी की जा सकती है। रक्षा डिजाइन और उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए डीएसी ने रक्षा खरीद प्रक्रिया की द्वितीय श्रेणी में महत्वपूर्ण बदलाव किए। एक रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है, डीएसी ने भी इसे सरल बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के साथ। संशोधित प्रक्रिया अब रक्षा मंत्रालय को उद्योग से अपने प्रस्तावों को स्वीकार करने की अनुमति देगा और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उपकरण विकसित करने के लिए स्टार्टअप को भी अनुमति देगा। मेक दो परियोजनाओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंडों को भी क्रेडिट रेटिंग से संबंधित शर्तों को हटाने और वित्तीय नैतिक मानदंडों को कम करने के द्वारा आराम दिया गया है। पहले मेक दो प्रक्रिया के अनुसार प्रोटोटाइप उपकरण विकसित करने के लिए केवल दो विक्रेताओं को चुना गया था। अब सुप्रीम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी विक्रेताओं को प्रोटोटाइप विकास प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। विक्रेता को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, बयान में कहा गया है। परिषद द्वारा मेक दो प्रोजेक्ट के अनुमोदन के बाद सभी मुआवजा सेवा मुख्यालय SHQ स्तर पर प्रदान किए जाएंगे।